नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रीएम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करती है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह की कानूनी अड़चन के दौरान आपके साथ हम खड़े हों आपकी कानूनी सहायता के लिए। और इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इस लीगल हेल्पलाइन के जरिए आपकी कानूनी समस्याओं के लिए निशुल्क कानूनी सहायता के साथ मौजूद है। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, नंबर से फोन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को मजबूत कर सकें। इस दरमियान आप हमसे किसी भी कानूनी समस्या को लेकर सहायता के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो जमानत के ऊपर है कि आखिरकार जमानत से जुड़े आपके अधिकार क्या हैं, किन किन परिस्थितियों में आपको जमानत मिल सकती है, कैसे आपको जमानत मिल सकती है, किन परिस्थितियों में आप थाने से जमानत करा सकते हैं, कोर्ट से जब जमानत होती है उसके आधार क्या होते हैं, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज आपको हम पहुंचाएंगे। उसके अलावा अगर आप अपनी किसी भी तरह की कानूनी समस्या को लेकर चिंताग्रस्त हैं, कोई भी कानूनी समस्या आपके सामने है, तो हम यहां मौजूद हैं आपकी हर तरह की कानूनी समस्या में आपकी बेहतर सहायता के लिए। और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान स्टूडियो मौजूद हैं, यतीन चौधरी साहब। यतीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लीगल हेल्पलाइन में। सबसे पहले मैं सर जानना चाहूंगा कि दरअसल बेल के अधिकार होते क्या है, जमानत शब्द जब हम सुनते हैं तो उससे जुड़े जुड़े क्या क्या प्रावधान है जो एक आम आदमी को मालूम होने चाहिए। देखिए, जमानत से जुड़े जो अधिकार है, हमारा जो कोड है, क्रिमिनल कोड जिसे कहते हैं CRPC, उसमें 436 से 440 तक दिया हुआ है कि किन किन चीज़ों पे और कौन कौन इसमें बेल दे सकता है। जब आप किसी ऑफेंस में आप पाए गुनहगार उसमें पाए जाते हैं, लिप्त पाए जाते हैं और पुलिस आपको पकड़ती है, तो दो तरह के ऑफेंस मान लिए जाते हैं कि एक बेलेबल ऑफेंस होता है, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है जी। दोनों हमारे कोड में और शेड्यूल में दिए गए हैं कि कौन कौन से जो ऑफेंसेस है बेलेबल है, कौन से नॉन बेलेबल है जी। अगर ऑफेंस बेलेबल है तो आपको पुलिस से बेल मिल सकती है, पुलिस स्टेशन में ही जी, आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है जी। अगर ऑफेंस नॉन बेलेबल है तो पुलिस आपको कोर्ट में पेश करेगी और आपको जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल करनी पड़ेगी। ठीक तो है जी। इस वक्त सर महेंद्र प्रताप देवरिया से हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। नमस्कार जी। नमस्कार महेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपनी बात आप रख सकते हैं। सर जो जो सर जो हुआ है ना सर, जो हमारी सेना जो पाकिस्तान सर, आपकी आवाज कट रही है, दरअसल आपका नंबर हम तो पहुंच चुका है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन टीम आपको कॉल करेगी और आपकी समस्या जानकर बेहतर सहायता आप तक जरूर पहुंचा जाएगी। सर, मैं जानना चाहूंगा कि जो आपने बात कही कि बेलेबल ऑफेंसेस में थाने से ही जमानत मिल जाती है, तो किस किस तरह के ऑफेंस वो होते हैं, मसलन कोई आप उदाहरण में चाहूंगा कि आप दें, और थाने से जमानत जब मिलती है उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रिया उसकी क्या होती है? देखिए, पूरा शेड्यूल दिया गया है कोड में कि किन किन ऑफेंसेस को बेलेबल और किन किन ऑफेंसेस को नॉन बेलेबल। अगर आप उसको साधारण भाषा में समझना चाहते हैं तो जो हीनियस क्राइम है या 3 साल से ऊपर जिनकी इम्प्रिजनमेंट दिया हुआ है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस मान लिए जाते हैं और उनका जो बेल है वो कोर्ट से दी जाती है जी। अब बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, बहुत छोटे, मान लीजिए किसी ने पॉकेट में कोई पकड़ा गया, कोई झगड़ा आपस में करते हुए हल्का फुल्का उसमें पकड़ा गया, हल्के फुल्के किसी स्कफल में पकड़ा गया, तो उनको बेलेबल ऑफेंस माना जाता है। तो उसमें पुलिस के पास अधिकार होता है कि वो परिस्थितियों को देखते हुए जमानत थाने से ही दे सकती है। उसमें ये होता है कि आपको 2 जमानती लाने होते हैं जी। पूरा प्रोसेस होता है, उसका फॉर्म होता है, वो भरना पड़ता है और उसके आधार पर आपको बेल पुलिस के द्वारा ही दी जा सकती है। ठीक है, लेकिन सर जो जमानती होते हैं, क्या जमानतों के लिए कोई स्पेशल कैटेगरी बनाई जाती है कि भाई जमानती की क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं जमानती बनने के लिए? कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं होती उसमें, रिक्वायरमेंट यही होती है कि आपके पास अपना ID प्रूफ होना चाहिए जी, कोई एक कोई दूसरी तरह का कोई और प्रूफ भी चलेगा,
मान लीजिए किसी के पास गाड़ी की आरसी है तो उससे भी वो प्रूफ बन सकता है और उससे भी जमानत दी जा सकती है। ऐसी कोई विशेष कोई कंडीशन नहीं है कि यही व्यक्ति सिर्फ जमानत दे सकते। ठीक है, लेकिन इसमें क्या आपको कुछ फाइन भी देना पड़ता है जमानत लेने के लिए? देखिए जमानत देने के लिए जो होता है वो पुलिस तय करती है कि उसमें वो कितना देना है और कितना नहीं देना है। कोर्ट में कहीं भी कुछ स्पेसिफाई नहीं है। अगर कोर्ट के द्वारा भी जमानत दी जाती है और उसमें भी निजी मुचलका जिसे कहते हैं वो भरा जाता है तो वो कहीं तय नहीं है कि इसमें इतना दिया जाता है। वो डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि केस टू केस डिफर होता है कि उसमें कितना लगाया जाए। ठीक है, इस वक्त रत्नेश गर्ग मध्य प्रदेश से हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। रत्नेश जी स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता सर हम लोग कर सकते हैं? जी सर। जी रत्नेश अपनी बात रखिए आप। जी मैं ये बोलना चाहता सर, जमानत लेने जैसे अपन लोग जाते हैं तो इसके लिए कोई संबंधी कानूनी जी। हेलो सर, रत्नेश आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है? जी सर। जी बताइए। रत्नेश आपका नंबर हम तक पहुंच चुका है, हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आपकी समस्या जानकर आप तक बेहतर सहायता हमारी तरफ से जरूर पहुंचाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। रत्नेश जी जब हम नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात करते हैं तो उसमें कोर्ट के ऊपर डिस्कशन होता है कि कोर्ट जमानत देती है कि नहीं देती है, लेकिन उसके बावजूद भी जमानत के कोर्ट से जमानत लेने के लिए क्या कुछ पुख्ता आधार होते हैं कि अगर ये सर्कमस्टेंसेज हैं, ये अगर परिस्थितियां हैं तो आपको जमानत मिलने की संभावना ज्यादा होती है? देखिए निश्चित रूप से जो जमानत होती है कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे होती है जी, क्योंकि जो ऑफेंस होगा वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा तो कोर्ट को ये देखना पड़ता है कि अगर आप जमानत दे रहे हैं सबसे पहली बात तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में उनकी ज़रूरत है या नहीं जी। दूसरी बात कि अगर ज़मानत दे दी जाए तो जो एविडेंस है उनमें कोई छेड़छाड़ की गुंजाइश तो नहीं है, या ट्रायल किस स्थिति में पहुंच गया है, या चार्जशीट दायर हो गई है या नहीं हो गई है। कई केसेस में देखा गया है कि 6-6 महीने चार्जशीट दाखिल नहीं होती है, उसके बाद जमानत मिलने का और ज़्यादा पुख्ता आधार बन जाता है कि अगर 6-6 महीने, हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें चार्जशीट दायर नहीं कर पाती है पुलिस जी, तो उसमें आधार और पुख्ता बन जाता है। तो पूरी तरीके से कोर्ट पर निर्भर है कि वो उस केस के फैक्ट्स को देखते हुए उसमें तय करे कि उसमें जमानत बनती है या नहीं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ऐसा ये नहीं है कि इन आधार पर ही जमानत मिलेगी, ये पूरी तरह से कोर्ट पर निर्भर है कि वो कब उसको सोचे। ठीक है, इस वक्त सर महाराष्ट्र से जीवन दास हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। जीवन दास जी स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। हेलो जी सर, बात रखिए अपनी आप। हाँ सर जी, मेरा एक 16 का बच्चा था, उसने मोटरसाइकिल चोरी में उसने पुलिस में मामला दर्ज हुआ, उसके बाद में कोर्ट में टेस्ट किया गया और उस इस घटना को 2 साल हो गए हैं, अभी 18 का हो गया है बच्चा, कोर्ट में केस चालू है, तो इसके लिए मुझे को उसको कोरा छुड़ाने के लिए या क्या करना चाहिए बच्चे को? ठीक है, जीविंदर जी पहली बात तो ऐसे केसेस में जो कि सब जुडिस होते हैं, अदालत के पास होते हैं, उसमें बेहतर हमारे ये होता है कि पहले हम केस के पेपर्स देख लें, उसके बाद हम लोग बेहतर स्थिति में आ पाते हैं कि आप तक कोई भी अपनी सहायता हम लोग कोई भी सलाह को दे सके। उसके बावजूद भी दूसरा मुझे लगता है कि इन्होंने जो बताया इनके बच्चे की उम्र 18 साल से कम है जी, तो निश्चित रूप से वो माइनर है जी और वो जुविनाइल एक्ट के तहत ही उस पर ट्रायल चलेगा। ये निश्चित रूप से कोर्ट में मुझे लगता है क्या कह रहे हैं शायद 2 साल से वो जेल में जी, 2 साल से हाँ, निश्चित रूप से कोर्ट के पास जा सकते हैं, उसमें अभी मुझे नहीं पता ट्रायल की क्या स्थिति है, किस स्टेज पे है जी, तो वो देख के ही पता चल सकता है। ठीक है, तो जीवन दास जी हमारा एड्रेस नीचे लगातार फ्लैश हो रहा है, इस एड्रेस के द्वारा या फिर ईमेल एड्रेस जो हमारा लगातार फ्लैश हो रहा है, इन दोनों में से किसी भी माध्यम से अपने जो केस से जुड़े कागजात आप हैं आपके हैं उनकी कॉपी आप हम तक भेज दीजिएगा, हमारे जो लीगल एसोसिएट्स हैं हमारी जो लीगल टीम है वो बेहतर तरीके से आपके पूरे केस को देख कर आप तक बेहतर सहायता हमारी तरफ से जरूर पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। यतिन जी हम अक्सर ये भी देखते हैं कि जो जमानती जिनको बना के लाया जाता है लोग अक्सर झिझकते हैं जमानती बनने से, तो क्या इसका कोई पर्टिकुलर रीजन होता है, कोई कारण होता है कि भाई अगर हम जमानती बन गए तो ऐसी ऐसी दिक्कत हमारे सामने आ सकती है? एक विशेष कारण तो यही होता है कि हमारे यहाँ एक जनरल परसेप्शन है कि कोर्ट कचहरी और पुलिस से दूर रहो जी। मान लीजिए आप किसी की जमानत ले लेते हैं और वो व्यक्ति किसी कारणवश से दोबारा हाजिर नहीं हो पाता है तो पुलिस सबसे पहले आपको ही पूछताछ करने के लिए आएगी कि क्योंकि आप जमानती थे, आप उनको ढूंढ के लाइए, उन पे दबाव बनाएगी जी। तो इस बात से लोग झिझकते हैं कि
बेवजह की कठिनाई होगी और पुलिस बेवजह से तंग करेगी, इस वजह शायद एक मोटी मोटी तो यही वजह है जिसकी वजह से जमानती बनने से लोग बचते हैं। इस वक्त नोएडा से अनिल हमारे दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं। अनिल, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। चलिए अनिल, आपका नंबर हम तक पहुंच गया, संपर्क से टूट गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन टीम जल्द आपको कॉल करेगी और अब तक की समस्या जानकर आप तक जल्द सहायता माध्यम से पहुंचाई जाएगी। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या जब हम जमानत लेने जाते हैं तो उसमें ऐसा भी कुछ मेंशन किया जाता है कि इतने वक्त के लिए जमानत मिल सकती है या फिर कब, क्या मैक्सिमम पीरियड क्या हो सकता है? जमानत में कोई समय सीमा तय नहीं होती है जी, वो कोर्ट परिस्थिति के हिसाब से जमानत देता है। और अगर जमानत मिलने के बाद पुलिस को ऐसा लगता है या कोर्ट को ऐसा लगता है या जो जिन लोग जो पीड़ित लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जमानत रद्द होनी चाहिए, तो कैंसिलेशन ऑफ बेल की एप्लीकेशन वो लगा सकते हैं कोर्ट में। कोर्ट फिर उसको देखेगा कि किन किन क्या कोई कंडीशन तय हुई थी जमानत के वक्त, क्या वो कंडीशंस को ब्रीच किया गया है या कोई और ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो रह गई है तो पुलिस को उनकी आवश्यकता है, या कोई विटनेस या एविडेंस से टेम्परिंग हो सकती है या उन पे दबाव बना के उनके ऊपर कुछ दबाव बना के कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे जो ट्रायल है वो प्रभावित हो सकती है, तो कोर्ट निश्चित रूप से उसको कैंसिल कर सकती है बेल को। एक और आमतौर पर सर दिक्कत है जो हम लोग देखते हैं, जो बेलेबल जो ऑफेंसेस होते हैं जिनमें थाने से जमानत मिल जाती है, हम अक्सर ये भी देखते हैं कुछ केसेस सामने आए भी हैं कि पुलिस के तरफ से भी कुछ रिश्वत की या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट की मांग की जाती है जो व्यक्ति पीड़ित होता है उससे, जो आरोपी व्यक्ति होता है उससे जमानत देने के लिए। तो अगर ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं, देखिए अगर बेलेबल ऑफेंस है तो बेल राइट बनता है जी, बेल आपका अधिकार बनता है जी, और पुलिस आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से परेशान नहीं कर सकती। उसमें आपके पास तरीका बनता है कि आप कोर्ट में जाए और पुलिस की लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं जी। इस नंबर एक तो हमारे हमें बेल नहीं दी जा रही बिकॉज हम बेलेबल ऑफेंस में हमें लाया गया था जी, और दूसरा हमारे साथ ये व्यवहार किया जा रहा है या रिश्वत मांगी जा रही है जी, तो उसमें पूरा एक तरीका है। अगर रिश्वत का मामला है तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी जाया जा सकता है जी, उसमें सीधा सीधा उनका अधिकार बनता है जाने का। ठीक है, इस वक्त बिहार से आशीष कुमार हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। आशीष जी, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मेरा लाइसेंस है जो था जो कि मेरे ड्राइवर के नाम पे था जी। हेलो जी सर, उससे 1988 में जो किसी आपसी मतभेद के कारण लाइसेंस और गन दोनों थाने में जब्त कर लिया गया था जी, तो हमने सर आयुक्त मगध प्रमंडल के यहाँ शिकायत की, तो जिसमें 1989 में हमें ऑर्डर मिल गया था गन और लाइसेंस लेने के लिए, फिर भी थाना में जाने के बाद सुनवाई नहीं होता है, वहाँ से नहीं देता है, और हर बार चुनाव के समय हमें नोटिस आ जाता है कि आप अपना गन थाने में जमा कर दीजिए, जब हमारे पास तो ना गन है ना लाइसेंस है। नहीं तो जिस मतभेद के चलते आपका आपके जो हथियार था जमा कराया गया था वो चीज अब खत्म हो चुकी है क्या जी? सर, जिस इशू के चलते, जिस मैटर के चलते आपका आपका लाइसेंस और जो आपका हथियार है वो जब्त किया गया था पुलिस के द्वारा, क्या वो मतभेद अब खत्म हो चुका है? केस के अब खत्म हो चुका है, चल रहा है केस अभी? जी अब तो चल रहा होगा ना, मेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं था कि हम उसको अपडेट कराते। नहीं तो आपका हथियार और आपके लाइसेंस क्यों लिया गया था? किसी आपसी मतभेद के कारण वो जब्त कर लिया गया था थाने में, जबकि हमारे पास कमिश्नर का ऑर्डर है मगध आयुक्त मगध प्रमंडल का जी, लेकिन फिर भी हमें गन थाने से नहीं दिया जाता है। ठीक है, इतनी जी आपके पास मैं जनरली जितना मैं समझ पाया हूँ जी, ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि चुनाव के समय या कुछ ऐसी विशेष परिस्थिति आ जाए उसमें जनरली जो पुलिस और प्रशासन होता है, जिन जिन के पास भी निजी हथियार होते हैं उनके विशेष परिस्थितियों में लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाता है और उनको अपना जो अपना असला है वो जमा कराना पड़ता है। मुझे नहीं पता, इनका शायद आपस में कुछ मतभेद था, शायद इसकी वजह से वो हुआ जी। तो मतभेद अभी कोर्ट में है, थाने में है, कहाँ है ये जानने की पहले आवश्यकता है जी, उसके बाद ही इस पर टिप्पणी की जाए। अगर मतभेद, अगर हम ये परिस्थिति लेके चलते हैं कि मतभेद खत्म हो चुका, मैटर क्लोज हो चुका है, देखिए अगर क्लोज हो चुका है तो अगर इनके पास तो वैलिड लाइसेंस है तो ये दोबारा पुलिस से मांग कर सकते हैं कि मेरा अपना लाइसेंस और वो लौटाया जाए। ठीक है सर, अगर इनके मुताबिक जैसा कि पुलिस में सुनवाई नहीं हो रही है, देखिए फिर तो इनको कोर्ट में जाना पड़ेगा जी, ये लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी एक अर्जी लगा सकते हैं कि ऐसे ऐसे पुलिस हमारे लाइसेंस और ये वापस नहीं कर रही, वापस दिलाया जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आशीष की जो आपकी समस्या थी उनमें बेहतर सहायता आपको मिली होगी। उसके अलावा भी हमारे फोन लाइन लगातार खुली हुई है, अगर आपको फिर भी कोई कानूनी समस्या सामने आती है तो आप हम यहाँ आपके साथ मौजूद हैं आपकी हर तरह की सहायता के लिए।
सर हम ये भी सुनते हैं कि जो कोर्ट से जिन मामलों में जमानत होती है उसमें कमजोर स्वास्थ्य को लेकर भी एक बड़ा ग्राउंड समझा जाता है कि अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आपको जमानत मिल सकती है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं, मतलब जो आसाराम का जो केस था उसमें भी ये चीज सामने आई थी कि हेल्थ को लेकर उन्होंने जमानत की अर्जी की थी जो कि खारिज हो गई थी, तो ऐसे ग्राउंड्स के बाद भी किन परिस्थितियों में चीजें मान्य होती हैं और कब जमानत की याचिका खारिज होती है? देखिए, हेल्थ ग्राउंड एक शायद बहुत कॉमन ग्राउंड बन गया है जमानत मांगने का जी। कोर्ट के सामने अगर आप हेल्थ ग्राउंड को लेकर जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हेल्थ की कंडीशन क्या है जी। किसी सरकारी अस्पताल का कोई पर्चा हो जी। किसी सरकारी जो डॉक्टर है उनका कोई प्रिस्क्रिप्शन हो कि आपको कोई ऑपरेशन की आवश्यकता है जी। या आपको तुरंत अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, इस तरह की परिस्थिति। कोर्ट भी पूरे नाप तोल कर ही उसमें निर्णय करता है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी छोटी मोटी बीमारी को लेकर चले जाओ और हेल्थ ग्राउंड पे आपको बेल मिल जाएगी, ऐसा नहीं है जी। आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको तुरंत मेडिकल हेल्प की आवश्यकता है जी, तुरंत, तभी कोर्ट आपको इस तरह की जमानत को एंटरटेन करेगा, अदरवाइज उसको एंटरटेन नहीं करेगा। ठीक है, सो तो रोहतक से पूजा पांडे हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। पूजा, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। जी सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड पर एक धोखाधड़ी का केस किया गया है जो बिल्कुल गलत है और उन्हें कोई सबूत नहीं मिल पा रहा जिसके वजह से वो प्रूफ कर पाए, तो क्या मैं जान सकती हूँ आखिर कैसे उनका बेल हो पाएगा और उनपे वारंट भी जारी कर दिया गया है, तो वो सबूत भी इकट्ठा करें लेकिन उनकी फैमिली में भी कोई और नहीं है जो उनका हेल्प कर सके, सर बताइए। ठीक है, ये जी आपके पास चीटिंग फॉर्जरी का केस क्या कोर्ट के सामने है इनका? पूजा, क्या आपका क्या कोर्ट के सामने वो पेश हो चुके हैं? पूजा, क्या पेश नहीं हो चुके हैं, उन्हें एक वारंट एक माह पहले निकला हुआ है, वारंट उनका एक महीने पहले निकला हुआ है उस चीज का, तो क्या उन्होंने सरेंडर कर दिया है? नहीं सर, नहीं कर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना चाहिए, पुलिस के पास जाके अपना जो भी अपनी बात है अपनी रखनी चाहिए, मामला कोर्ट में चलेगा, उसको इन्वेस्टिगेशन को तो सबसे पहले इन्हें ज्वाइन करना चाहिए और उसके बाद अगर पुलिस इनको अरेस्ट करती है तो बेल का प्रावधान है, बेल आप ले सकते हैं। तो सर बेल के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं? बेल के लिए अप्लाई इसमें कोर्ट के द्वारा करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पूजा कि आपको बेहतर सहायता इस चीज़ के द्वारा मिली होगी हमारे। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या बेल को लेकर, जैसे हुसैन अरा खातून का एक लैंडमार्क जजमेंट सुनते हैं, तो क्या दरअसल वो जजमेंट था? देखिए, वो जजमेंट बहुत ही एक फेमस जजमेंट है, जो अंडर प्रिविलेज लोग थे, जो गरीब लोग थे, जिनके पास उतनी समझ नहीं है कानून को लेकर, बिहार में बहुत सारे अंडर ट्रायल्स थे जिन्होंने महीनों महीनों सालों सालों जेल के अंदर बिताए हैं, जिनकी ट्रायल शुरू तक नहीं हो पाई थी जी, उन मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई थी हुसैन अरा खातून ने, उसमें ये बताया गया था कि कैसे कैसे जिन जिन ऑफेंसेस को लेकर के उन लोगों पे मुकदमा चल रहा है, मान लीजिए किसी में 2 साल की सज़ा है तो उसमें लगभग 1 वर्ष और 1.5 वर्ष तो उन्हें जेल के अंदर हो गया था, लगभग पूरी उनकी जो इम्प्रिजनमेंट थी वो पूरी होने जा रही थी, फिर भी उनका जो ट्रायल वो शुरू नहीं हुआ था किसी भी तरीके से जी। तो उन सबको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें उन्होंने कहा गया था कि जिन जिन अंडर ट्रायल्स की आधी से ज़्यादा जो सज़ा थी या जितनी सज़ा बनती थी वो पूरी हो गई है, उनको तुरंत बेल दे दी जाए जी। उसमें एक चीज़ और भी आई थी कि क्योंकि उन लोगों के पास कुछ वो आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर थे जी, तो बेल में जो भी उसमें जो पैसा जमा होना था वो भी उनके पास नहीं था, उसमें भी बहुत ढिलाई बरती गई थी और उसमें कहा गया था कि अगर किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो जेल में सड़ने के लिए पैदा हुआ है। तो इन सब बातों को लेकर के बहुत लैंडमार्क जजमेंट है जी। और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, आज जो हिंदुस्तान का कानून है जी, उसमें शायद जो ये मुफ्त कानूनी सहायता है इस कॉन्सेप्ट को बहुत मजबूत करना चाहिए, जिससे जो गरीब गुरबा लोग हैं वो अपना जो कानून की जो उन तक पहुंच सीधी जा सके और जल्दी जा सके और आसान तरीके से जा सके। ठीक बात है। इस वक्त मथुरा से मुकेश हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं अब तक। मुकेश, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। चलिए मुकेश, आपका नंबर हम तक पहुंच चुका है, हमारी तरफ से जल्द आपको कॉल जाएगा, बेहतर सहायता हमारी तरफ से की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका हम तक जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका भी हम तक जुड़ने के लिए, बेहतर जानकारी बिल के बारे में देने के लिए, हमारे दर्शकों की समस्या में बेहतर सहायता करने के लिए।
इंडिया लीगल सर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य है कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी पहुंच से न्याय दूर है या किसी भी वजह से सही समय पर सही न्याय पाने में लोग असमर्थ महसूस करते हैं, तो उन्हीं के लिए हम लोग यहां पर हैं। विश्वास आप रखिए कि लीगल हेल्पलाइन में आपकी हर कानूनी समस्या में बेहतर सहायता हमारी तरफ से जरूर की जाएगी। नंबर हमारे लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप किसी भी वक्त हम तक सीधे जुड़ सकते हैं अपनी कानूनी सहायता के लिए। नमस्कार।